खोल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अम्मी ये मरियम की भतीजी है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? हमना। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या दुश्मनी तुम्हें मेरे बेटे से? इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बदुआ वापस ले ले, उसकी बदुआ लग गई मुझे। ये ठीक आदमी नहीं है, इनकी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। वो मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। संभालो अपने आप को बेटा। जिस इंसान को किसी की हालत उसे दुनिया की कोई दवाई असर नहीं करती। 2 दिन के बाद अगर तीसरे दिन भी मेरे पैसे मेरे घर पे नहीं, तुम मिनिस्टर साहब के पास जाना होगा। माफ कर दे, बहुत तकलीफ है। मैं छोड़ूंगा। अम्मी, यह है मरियम। मरियम, अम्मी। पानी लाती हूँ। वो इतनी डरी क्यों है? नहीं पता। थैंक यू। अम्मी, आपको पता है इन्होंने आपके बेटे को कितना सताया, कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे इन्हें बनाने में। लेकिन खैर, कम से कम इन्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार तो आ गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ तो बात करें। मुझे इससे बात करनी है अकेले में। अकेले में? और बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? बिल्कुल ठीक शान सर। सर? तुम मुझे सर क्यों कहती हो? सब आपको सर कहते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन तुम मुझे कुछ और भी कह सकती हो। फिर क्या कहूँ मैं आपको? शान अंकल। ठीक है। ठीक है, पक्का? कैसी हो? अच्छी। अच्छी तो तुम हर दौर में थी, बस हम ही बुरे थे। आपकी बुराइयां शायद आपको आधी पता है। सब पता है मुझे। तुम्हारा मुझे मेरे सामने बैठ के हर वक्त रोता रहता है। रोने से नुकसान तो पूरा नहीं होता। सही कह रही हो। बहस गुना ऐसे होते हैं कि उनका इतराफ करने के बाद, उनके बारे में रोने के बावजूद बोझ हल्का नहीं होता दिल का। इतना तो मजलूम का हक होता ना मैडम। तुमने मुझे मैडम कहा है तो इससे जाहिर होता है कि तुम शान आलम से शादी नहीं करो। शान आलम नाम है उनका। इतनी अजीब बात है, एक ही घर के दोनों बेटे तुमसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ एक, दूसरे को तो मोहब्बत की नींद का भी नहीं पता। अब तो उसको ये तक का सबक याद हो गया। मरियम, जाने आलम अपने सारे गुनाहों का इतराफ कर चुका है मेरे सामने। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर। शर्मिंदा तो वो एक बार पहले भी हुआ था। शर्मिंदगी की वजह से मैंने बहुत कुछ खो दिया। अब ऐसा नहीं है, उसने बहुत बड़ी सजा काटी है। वो तुमसे माफी मांगने के लिए तड़प रहा है मरियम। सारी जिंदगी भी तड़पता रहेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बता दीजिएगा उसे। इसे भी मैंने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ दिया था। तुम्हारा रब अपना फैसला सुना चुका है मरियम। मैं कैसे कहूँ, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ हमारी इज्जत किस तरह से नीलाम है। मैयत को जितना जल्दी हो सके दफना देना चाहिए। लोगों की तरह मैं नहीं कर सकती। मुझे जानते आप। भाइयों के गुनाहों की सजा को अबे मुझे बदुआ लग गई उसकी। ना मुझे सुकून आता है ना मौत आती है। तुम बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? आप बताइए, आप क्या चाहती हो? मैं तुमसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकती हूँ मरियम, शान-ए-आलम से बेवफाई कर लो, छोड़ दो उसे। इनकार का हक तो आपके पास भी है। आप खुद क्यों नहीं कर देती इस रिश्ते से इनकार? लेकिन मैं उसकी माँ हूँ बेटा, तो उसका दिल नहीं तोड़ सकती। इस वक्त ने मुझे किस तरह तो पिला के खड़ा कर दिया। मैं एक बेटे की खुशी छीन कर दूसरे बेटे को नहीं दे सकती। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। खुदा के लिए मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। क्यों? बताइए ना अपने बेटे को कि उसका बड़ा भाई क्या करता रहा है पराई बेटियों के साथ, किस तरह जिंदगी बर्बाद करता है। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं उसको? वो बहुत बड़ी सजा काट चुका है मरियम। मुझ पर एहसान करो। जैसे मेरे बड़े बेटे की जिंदगी से गायब हो गई थी, उसी तरह से शान-ए-आलम की जिंदगी से भी गायब हो जाओ खुदा के लिए। ये देखो मेरे हाथ देखो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता तो नहीं है, एक मजबूर और बेबस माँ के हाथ है। मरियम, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता, इस माँ की लाज रख लो, मेरे घर को बचा लो। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। Thank you. वादा करो, तुम शान-ए-आलम को कुछ भी नहीं बताओगे। याद रखना, मैंने तुम्हारी माँ की कसम दी। Thank you. अम्मी, अब आप ही जाएं। मुझसे छुप के क्या बातें हो रही हैं? चलो। क्या बातें हो रही थी? बस ऐसा। कैसी लगी मुझे? अच्छी। मुझे पता था कि मरियम आपको अच्छी ही लगी। अम्मी, अब जब हम आए हैं तो शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। मुझे अपने भाई से मशवरा करना है, इजाजत चाहिए उनकी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम। वहाँ फैसले बड़ों को ही करने चाहिए, उन्हें कहा होता है फैसले करने का। अच्छा ठीक है अम्मी, जैसा आप लोग ठीक समझें, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। Take your time. भैया, अपना ख्याल रखना।